ठीक है तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ठीक है तो इसमें मैंने कोशिश करी है कि बहुत शॉर्ट तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट किया जाए और मेरा पर्पज़ है कि आने वाले चार महीने में क्लास ट्वेल्थ खत्म हो जाए और उसके बाद इलेवेंथ और ट्वेल्थ का रिविजन शुरू कर दें हम ठीक है तो मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी ये कवर हो और आपका रिवीजन हो और आपको अच्छी से नीट में अच्छे नंबर लाने में मैं आपकी हेल्प करू ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तो इसकी मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है क्रिएटिंग यंग वंस सिमिलर टू वन देख पा रहे हो आप क्रिएटिंग यंग वंस सिमिलर टू वन सेल्फ सो ये डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की

तो हम वो समझने की कोशिश इस चैप्टर में करने वाले हैं ठीक है तो क्या आप बता सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है क्या रीजन है नोट्स का कैसे करना है नोट्स का मैं आपको बता देता हूं कि आ, मैं आपको या तो ये पीडीएफ शेयर कर सकता हूँ जो भी हम इसमें लिखेंगे ठीक है और इसके बाद आपको मैं प्रिंटेड मटेरियल दूंगा तो जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो उसमें लिखी होंगी आपको अलग से नहीं लिखना है ठीक है ये ठीक है नो, नोट्स के लिए ठीक है हाँ तो आप बताइए रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज तो स्पीसीज का कंटिन्यूएशन क्यों जरूरी है स्पीसीज एक्सटिंग बायोडाइवर्सिटी के लिए हाँ बेसिकली जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे ठीक है पॉपुलेशन मेंटेन रहे तो हम एक हम पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल होता है पॉपुलेशन में उसकी डेथ होती है उसकी डेथ सर्टेन है लेकिन स्पीसीज एज सच सरवाइव करती रहती है ठीक है स्पीसीज एज सच सरवाइव करती रहती है तो किसी भी पॉपुलेशन का एक इंडिविजुअल कितने साल तक या कितने टाइम तक जिंदा रहता है तो हम उसको उसका लाइफ स्पैन बोलते हैं ठीक है तो लाइफ स्पैन पीरियड फ्रॉम बर्थ टू इसमें मैंने हाईलाइट किया लाइफ स्पैन बोलते हैं क्या बोलते हैं लाइफ स्पैन और मैक्सिमम लाइफ स्पैन यहाँ पे कुछ टर्म है मैक्सिमम लाइफ स्पैन तो ये क्या होता है कि किसी स्पीसीज के किसी मेंबर ने जितने साल का रिकॉर्ड बना रखा हो लॉन्गेस्ट जिंदा रहने का वो उसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन कहलाता है ठीक है तो जापान के एक कोई पर्सन है जिनका जो लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड है वो वन ट्वेंटी वन ईयर्स का है कितना है वन ट्वेंटी वन ईयर्स का तो ये लॉन्गेस्ट है और ये मैक्सिमम लाइफ स्पैन है ह्यूमन के लिए ठीक है तो ह्यूमन का मैक्सिमम लाइफ स्पैन ईयर्स है, ठीक है अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एवरेज लाइफ स्पैन के मोस्ट ऑफ मेंबर्स कितने टाइम तक सरवाइव करते हैं, वो कहलाता है उनका एवरेज लाइफ स्पैन क्या कहलाता है एवरेज लाइफ स्पैन सो इट इज एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स सरवाइव बाई द मेंट एवरेज लाइफ स्पैन ठीक है यहाँ पे एक और सिमिलर टर्म है जिसका नाम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये ये एवरेज एवरेज लाइफ लाइफ स्पैन स्पैन पे 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 बेस्ड 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 है 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 किस है? है. इसका मतलब है कि वो एज जिस एज पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सरवाइव कर रही है मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जिस एज तक रीच कर पाती है अपने लाइफ स्पैन में वो उसका क्या कहलाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है क्या कहलाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन है ये स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक है सो इट इज अरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन तो ये दो चीजें इम्पॉर्टेंट हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि uh, इंडिया में जो uh, जो हमारा एक्सपेक्टेड लाइफ uh, स्पेन है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितने साल का है आप बता सकते हैं क्या फोर ईयर ठीक है सिक्सटी फोर ईयर और कुछ कुछ बुक्स में फिफ्टी एट ईयर भी लिखा होता है तो इट इज समि एट टू सिक्सटी ईयर या सिक्सटी फोर ईयर जैसा आप बोल रहे हो और यूएस की अगर बात करें तो कितना है यूएस का कितना है 42 70, yeah. नहीं 78 इयर्स कितना है 78 इयर्स मतलब इंडिया से बेटर है ऐसा क्यों है वहां का क्लाइमेट और हेल्थ केयर फैसिलिटीज की वजह से ठीक है क्लाइमेट और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जापान का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा जापान का रिकॉर्ड है ठीक है एवरेज है उनका मतलब एट्टी है एवरेज वहाँ पे 80 है ठीक है इसको एक समझने का मैं आपको एक एंगल देता हूँ ठीक है जापान में सबसे बड़ा सीजन कौन सा होता है विंटर समर स्प्रिंग कौन सा सीजन होता है ज्यादातर सर सबसे ज्यादा तो कनाडा का है शायद एटी के आसपास है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो एक बार हम एक बार सकते हैं ठीक है वो देख सकते हैं चेंज भी होता है क्योंकि इंडिया का बढ़ रहा है इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है क्योंकि मेडिकल बेटर हो रहा है है ठीक तो वो हम देख सकते हैं अच्छा आप एक जनरल जनरल बात बताओ कि अगर हम यूएस के क्लाइमेट की बात करें तो जनरली वहां पे विंटर होता है या समर रहता है मोस्ट ऑफ द विंटर हाँ जनरली विंटर होता है ठीक है तो अगर मैं बोल दूं कि वो लोग फ्रिज में रहते हैं तो ये गलत है या सही है जो चीजें फ्रिज में हम रख देते हैं तो ज्यादा टाइम तक चलती हैं राइट राइट तो वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इस वजह से उन लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी एनिमल्स के बारे में एनिमल के लाइफ स्पैन के बारे में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है रिलायबल इंफॉर्मेशन वो जू से आती है ऐसा क्यों है क्योंकि जू के अंदर जो भी एनिमल रहते हैं उनका एक प्रॉपर एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करा जाता है कि, कि किस दिन बर्थ कब हुआ है डेथ कब हो रही है और उनको आइडियल कंडीशन मेंटेन करके रखा जाता है ठीक है उनका वहाँ पे बैठने भी डॉक्टर्स भी होते हैं जो बीमार पड़ने पे उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं ठीक है तो एनिमल्स के लाइफ स्पैन को लेके जो भी इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास वो जू से आती है ठीक है अगली इंपॉर्टेंट बात है कि डेथ इज इनविटेबल इनविटेबल इनवाइटेबल ऐसा क्यों है क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं उनमें फिजन uh, होता है या बाइनरी फिजन जिसको हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल अमीबा के केस में तो एक जो बड़ा सेल है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है तो उसमें हम ऐसा बोलते हैं कि इनका जो भी कंटेंट था या जेनेटिक मटेरियल था वो इन दो सेल्स में पास हो गया है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ओरिजिनल सेल है वो अब भी सर्वाइव कर रहा है ठीक है तो इसीलिए जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है हम उनको बोलते हैं कि वो इमोर्टल है उनकी डेथ कभी नहीं होती है ठीक है अदरवाइज जितने भी लिविंग uh, ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ सर्टेन है ठीक है एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि फीमेल uh, के अंदर जो मॉर्टिलिटी रेट है वो लो है ठीक है दे आर मोर स्ट्रांग देन मैन बायोलॉजिकली दे आर मोर स्ट्रांग ठीक है और एवरेज लाइफ स्पैन एंड मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये बढ़ चुकी है ठीक है अभी के लिए आपको याद रखना है कि ये 56 इंडिया में है और 78 एट यूएसए में है ठीक है और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है हमारी जो कंडीशन बेटर हो रही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है ठीक है इसका रीजन है बेटर हेल्थ केयर सर्विसेस और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड से मतलब है कि अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले बात करें ठीक है अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले बात करें तो फूड की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी बहुत लिमिटेड थी ठीक है इंडिया में भी आज से 40 से 50 साल पहले सफिसियंट फूड अवेलेबल नहीं था लोगों को राशन करना पड़ता था मतलब रेशनलाइज uh, वे uh, में यूज करना पड़ता था कि दिन में एक ही बार खाना खा रहे हैं ठीक है अगर आप अपने ग्रांड uh, फादर से पूछोगे तो शायद वो बता पाएंगे फिर नाइनटीन में जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ uh, ये राइस की आने लग गई तब से जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो बेटर हुई है ठीक है इसके पहले फूड शॉर्ट सप्लाई में था तो ये दो इम्पोर्टेंट तो रीजन है क्या होता है क्या कह रहे हो मोर्टिलिटी रेट मोर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक साल में एक हजार लोगों में कितने लोगों की डेथ हो जाती है ठीक है जैसे अगर एक कोई पॉपुलेशन है उसमें सौ लोग है और अगर उनमें से एक साल के अंदर दो लोगों की डेथ हो जाती है ठीक है तो उस मोर्टिलिटी रेट हम पॉइंट टू परसेंट बोलेंगे पर पर थाउजेंड में अगर कंपेयर करेंगे तो ठीक है तो मोर्टिलिटी रेट इज डेथ ऑफ इंडिविजुअल पर थाउजेंड पर ईयर और समझ पा रहे हैं ना डेथ ऑफ इंडिविजुअल पर थाउजेंड पर ईयर इज मॉर्टिलिटी रेट ठीक है हाँ तो मैंने जैसा कि कल आपसे डिस्कस किया था कि मैं जो सारे नोट्स हैं वो बुक के अंदर बनाने वाला हूँ तो हम ये चैप्टर को दो तरह से करने वाले हैं दो तरह से कैसे एक जैसे अभी मैं पीपीटी से कर रहा हूँ और एक बार हम एनसीईआरटी बुक को भी क्लास में ही कवर करेंगे तो उसमें जो भी लिखना होगा वो आपको एनसीआरटी बुक के अंदर ठीक है और ऐसा करना ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये ये पीपीटी मतलब क्यों प्रेजेंट कर रहा हूँ उसका रीजन है कि नहीं तो आपको लगेगा कि सर ने कुछ पढ़ाया नहीं है ठीक है तो ये मजबूरी है बट एक्चुअल काम हमारा वाला है जो हमें करना है तो इसलिए मैं आपको खुश करने के लिए दोनों कर रहा हूँ ना लगे कि सर ने कम पढ़ाया ठीक है मान रहे हो ना ठीक है तो हम हर वीक का कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि कुछ पार्ट हमें एनसीआर कवर करनी है कुछ हमें जनरल इन्फॉर्मेशन कवर करनी है उस चैप्टर की ताकि आप दोनों तरह से साउंड रहो एक क्वेश्चन अगर बाहर से आता है तो वो भी कवर हो जाए ठीक है क्लियर है ना ठीक है तो अब हम रिप्रोडक्शन की बात जो कर रहे हैं तो हैबिटेट और इंटरनल फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है ये जो पीपीटी है इसमें आप देखोगे मैंने प्रिसाइजली बर्ड ऐसे पिन पॉइंट करके रखे हुए हैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज यूज नहीं करी है तो ये भी अपने आप में एक अच्छा नोट्स है जिसको आपको अगर आप इस, इसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ठीक है तो रिप्रोडक्शन दो चीजों पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म किस टाइप का रिप्रोडक्शन चूज करेगा वो उसके हैबिटेट पे इंटरनल फिजियोलॉजी पे ठीक है ये दो मेन फैक्टर हैं इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी हैं जिन पे रिप्रोडक्शन तो, डिपेंड करता है तो रिप्रोडक्शन दो तरह का है एक है ए रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो टोटल टू टाइप के रिप्रोडक्शन मेथड है एक है सेक्सुअल और दूसरा है एसेक्सुअल तो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है हैबिटेट इंटरनल फिजियोलॉजी एंड अदर फैक्टर्स ठीक है तो ये जो आप साइकिल देख रहे हो ठीक है ये बेसिकली ये एनिमेशन था जो इसमें नहीं चल पा रहा है बोर्ड पे चलता बोर्ड के लिए प्रिपेयर किया होता हमने तो आप इसमें देख पा रहे हो कि इंडिविजुअल का बर्थ हुआ फिर ये ग्रो कर रहा है जो बेनाइल फेज चल रहा है इसका इसके बाद इसमें सेक्सुअल uh, मेच्योरिटी आ रही है फिर मेच्योरिटी आने के बाद इसका रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गया फिर रिप्रोडक्शन फेज के बाद ठीक है इसमें एजिंग शुरू हो जाती है क्या शुरू हो जाता है एजिंग फिर एजिंग के बाद फिर इसकी डेथ हो जाती है ठीक है और इसके अंदर जो भी न्यूट्रिय कंटेंड है जो भी न्यूट्रिय कंटेंट है वो आपके सॉइल में चले जाते हैं सॉइल से वो न्यूट्रिय प्लांट्स में चले जाते हैं और फिर से अगर सिमिलर ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है तो अगर वो प्लांट पे डिपेंडेंट है तो प्लांट से फूड लेता है अगर वो हिट्रोट्रॉफिक है तो अदर ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है और ग्रो करके फिर से बड़ा होता है फिर से रिप्रोड्यूस करता है फिर एजिंग होती है फिर डेथ हो जाती है फिर मिट्टी मिल जाता है तो ये जो साइकिल है ये चलता रहता है ये कभी रुकता नहीं है ठीक है बर्थ ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड डेथ इसका जो ये साइकिल है ये इस तरह से कंटिन्यूसली चलता रहता है ठीक है क्लियर क्लियर है है ये बात ठीक है? है हाँ हैबिटेट पे कैसे डिपेंड करता है निशा बिश्नोई ने पूछा है कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो हैबिटेट पे कैसे डिफरें इफेक्ट पड़ता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लाइमेट क्लाइमेट में सबसे पहले आ जाता है टेम्परेचर ठीक है तो अगर हम ह्यूमन के सेंस में बात करें तो अगर हम अपने कंट्री में देख लें इंडिया में तो इंडिया में रिप्रोडक्टिव मेचोरिटी करीब थर्टीन से फोर्टीन ईयर से आनी शुरू हो जाती है और जिसको हमने लीगली 18 ईयर्स फॉर फीमेल एंड ट्वेंटी वन ईयर्स फॉर मेल ऐसे डिक्लेयर करा हुआ है ठीक है ठीक है अगर हम इसी सिमिलर फिनोमिना की बात अगर हम किसी कोल्ड क्लाइमेट वाले कंट्री फॉर एग्जाम्पल यूएसए या ब्रिटेन से करते हैं तो वहां पे देखोगे कि ये जो रिप्रोडक्टिव मेचोरिटी है ये करीब सिक्सटीन सिक्सटीन सेवनटीन से स्टार्ट होती है ठीक है तो इंडिया वार्म कंट्री है वार्म क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिविटी पेचोरिटी है वो जल्दी अचीव होती है ठीक है और कोल्डर कंट्रीज में ये देर से अचीव होती है ठीक है तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है किस तरह से अफेक्ट होती है अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टेम्परेचर से और कैसे कंट्रोल होती है आपको पता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल में हो ये हारमोन पे डिपेंडेंट है किस पे डिपेंडेंट है हारमोन पे और हारमोन जो होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं हारमोन जो होते हैं वो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं तो आपने हारमोन का एक कर्व पढ़ा होगा कि ये बेल सेप कर्व होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर का ऑप्टिमम टेम्परेचर एक, एक होता है जहां पे मैक्सिमम एक्टिविटीज हो करते हैं और इस कर्व के दोनों साइड इनकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है ठीक है तो आप समझ सकते हो क्योंकि हार्मोन आ, हार्मोन डिपेंडेंट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन तो टेम्परेचर हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस करता है और हार्मोन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं ठीक है क्लियर है ठीक है नेक्स्ट तो जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं हम उनकी बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस हैं तो सबसे पहले इसमें डीएनए का रेप्लीकेशन होना चाहिए क्यों होना चाहिए डीएनए का रेप्लीकेशन क्योंकि जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होगी या दो से ज्यादा सेल में डिवाइड होगी तो इसको सबसे पहले तो अपना कंट्रोल चाहिए कंट्रोल कहां से आएगा न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है डीएनए तो सबसे पहले इसका डीएनए कॉपी होगा इस सेल का ठीक है सबसे पहले इस सेल का क्या होगा डीएनए कॉपी होगा दो सेल यहां पे बनेंगे और इन दोनों के अंदर नया डीएनए आएगा पहली चीज ठीक है दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सेल को क्या चाहिए नई सेल बनने वाली है तो नए सेल ऑर्गेनाइज चाहिए है ना नए तरह की प्रोटीन चाहिए नया साइटोप्लाज चाहिए मटेरियल चाहिए तो इसमें आरएनए का सिंथेसिस प्रोटीन का सिंथेसिस और अदर मटेरियल्स और बायोकेमिकल का सिंथेसिस होगा ठीक है इसके बाद अब आपको ये जो एक सेल है ये एक सेल ये एक सेल डिवाइड होगा और ये डिवाइड करके नए सेल बनाने वाला है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इस सेल के पास जो भी इसकी मशीनरी है इसको रेप्लीकेट होके डबल होना पड़ेगा फिर ये सेल डिवाइड करेगी ताकि इन दोनों सेल को उतने ही अमाउंट में मटेरियल और मशीनरी मिल जाए जितना कि ओरिजिनल सेल के पास थी ठीक है तो ओरिजिनल सेल के पास क्या क्या है डीएनए है डीएनए के अलावा प्रोटीन है ठीक है साइटोप्लाज्म है तो ये सारा आपका मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करके क्या होगा इन नए सेल में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सेल की ग्रोथ होगी सेल डिवाइड करेगी और सेल डिवीजन से रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनेंगे तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव यूनिट से मतलब है गैमिट मतलब स्पर्म्स और एक्स बनेंगे ठीक है और स्पर्म और एग फर्टिलाइज करके जायगॉट और जाएगौर्ट से फिर नया इंडिविजुअल बनेगा तो ये सारे इवेंट रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में बेसिक इवेंट है जो यहाँ पे होने वाले हैं ठीक है तो ये पार्ट बहुत ही ऑब्वियस है आप सबको पता होगा आता होगा तो ये क्लियर है कोई डाउट है यहां पे कोई डाउट है इस पार्ट में कोई डाउट नहीं है ठीक है गुड इसके बाद हम बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है तो मैंने यहाँ पेक्सुअल रिप्रोडक्शन के की फीचर्स लिखे हुए हैं ठीक है की फीचर्स लिखे हुए हैं ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है आप अगर एक एक बर्ड याद रख लोगे तो आपके फिंगर टिप्स पे आपको याद रह जाएगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या फीचर है सबसे पहले पहली बात तो यह है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है दो पेरेंट यहाँ पे नहीं होता है ठीक है सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व और दूसरा है कि इसमें कोई गैमिट फॉर्मेशन नहीं होता गैमिट फॉर्मेशन नहीं होता मतलब यहाँ पे मेसिस नहीं होगी ठीक है तो यहाँ पे मेसिस नहीं होगी गेमिट फॉर्मेशन नहीं होगा केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है और नेक्स्ट है इसमें जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन है माइटोटिक डिवीजन क्यों है क्योंकि जितने भी क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल को मिलने वाले हैं ठीक है, है? इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तो यहां पे इक्वेशनल डिवीजन होना है माइटोटिक डिवीजन होना है बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम ठीक है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम दूसरा हमने देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट बनते हैं स्पर्म और एग बनते हैं वो फर्टिलाइज करके जायॉट बनाते हैं लेकिन सोमेटिक सेल के अंदर कोई स्पेशल स्पेसल सॉरीक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई स्पेशल सेल नहीं होता और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो सेल खुद रिप्रोडक्टिव का यूनिट का काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा एक सिंगल सेल है और ये बाइनरी करके दो नए अमीबा बनाता है तो अब मैं आप इससे पूछू इसमें गैमेट बने तो आंसर क्या है नहीं बने हैं है ना कोई गैमीट नहीं बने हैं कोई नया काम नहीं हुआ है सिंपली ये जो सेल है वो ब्रेक हो गई है तो इसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट सेल खुद है ठीक है तो इसमें कोई नया रिप्रोडक्टिव यूनिट नहीं है और अब जो ये ऑफस्प्रिंग बने हैं ये पेरेंट के सिमिलर है कैसे हैं सिमिलर जेनेटिकली आइडेंटिकल है तो हम बोल सकते हैं कि ये पेरेंट की कॉपी है और ऐसी कॉपी को हम बोलते हैं क्लोन क्या बोलते हैं

कोई डाउट यहां तक कोई डाउट यहां तक नहीं सर ठीक ठीक है है तो है. अच्छा संचित चौधरी पूछ रहे हैं कि हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म भी ए सेक्सुअली डिवाइड करते हैं ठीक है तो अगर हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म तो से हिप्लोग जा रहे हैं तो वहां पे भी क्या होगा ठीक है तो ये अमीबा में बाइनरी फिजन है आपको बचपन से पता है कि अमीबा में बाइनरी फिजन होता है होता है होता है लेकिन यहाँ पे मैं अलग क्या बता रहा हूँ कि इसमें जो बाइनरी फिजन है इसको हम सिंपल बाइनरी फिजन बोलते हैं इसका एक और नाम है इरेगुलर बाइनरी बाइनरी फिजन ठीक है तो अमीबा में आपको क्या याद रखना है कि फिजन होता है कौन सा फिजन बाइनरी फिजन मतलब दो पार्ट में डिवाइड होता है और ये जो डिवीजन है वो इरेगुलर है इक्वल नहीं है कैसा है इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है तो ये बात आपको याद रखनी है कि अमीबा के अंदर इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है ठीक है गॉट इट यस सर नहीं ऐसा नहीं है संचय चौधरी जो हिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है वो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है और वो कैसे करते हैं अगर उनमें गैमेट फॉर्मेशन होगा ठीक है तो वो माइटोसिस से होगा कैसे होगा माइटोसिस से तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं माइटोसिस से होगा वो ठीक है तो ये हो गया अमीबा में बाइनरी फिजन अगला अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं अगला है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है वो युगलीना में होता है इसके अलावा वार्टी में होता है इन दोनों के अंदर होता है ठीक है युगलीना एंड वार्टीसेला के अंदर क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन मतलब जो सेल है वो इस तरह से ब्रेक होगी ठीक है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है इनमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑब्लिक बाइनरी फिजन सो ऑब्लिक बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल आपको याद रखने सिरेसियम एंड गोनियलॉक्स तो इन दोनों में क्या होता है ऑब्लिक बाइनरी फिजन होता है और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इस तरह का जो बाइनरी फिजन है ये पैरामीशियम में होता है डायटम्स में होता है एंड बैक्टीरिया में होता है तो हमने चार तरह के बाइनरी फिजन पढ़ लिए कौन कौन से एक बार बताओगे चार तरह के बाइनरी फिजन कौन कौन से है फोर टाइप ऑफ बाइनरी फिजन कौन कौन से ट्रांसवर्स, ठीक है तो आपको इनमें हर एक का एग्जाम्पल याद रखना है क्या रखना है एग्जाम्पल ठीक है हम बात करते हैं पैरामीशियम में एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि जो बाइनरी फिजन के पहले क्या होता है ए माइटोटिक डिवीजन होता है मेगा न्यूक्लियस का और माइटोटिक डिवीजन होता है माइक्रो न्यूक्लियस का क्योंकि पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं आपको याद है पैरामीशियम में कितने न्यूक्लियस होते हैं दो न्यूक्लियस होते हैं ठीक है तो ट्रांसवर्स किसका होता है किसका होता है मेगा न्यूक्लियस का बड़े साइज वाले न्यूक्लियस का और माइटोटिक डिवीजन होता है छोटे वाले न्यूक्लियस का इसमें से कौन सा न्यूक्लियस है जो डिसाइडिंग फैक्टर है या जो जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है वो कौन सा न्यूक्लियस है पैरामीशियम के अंदर कौन सा न्यूक्लियस है जो जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या आंसर है आपका मेगा न्यूक्लियस यस इट इज द मेगा न्यूक्लियस ठीक है और इसमें और क्या होता है कि टू डिसिमिलर डॉटर वन एंटीरियर एंड वन पोस्टीरियर ये दो तरह के बनते हैं मतलब इसमें जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वो सेम साइज के नहीं होंगे एक छोटा एक बड़ा होगा ठीक है एक एंटीरियर साइड पे बनेगा दूसरा पोस्टीरियर साइड का बनेगा और इनमें कुछ कॉम्पोनेंट मिसिंग होते हैं ठीक है इन इन में क्या होता है कि कुछ जो ऑर्गेनल्स हैं वो मिसिंग होते हैं और क्या होता है कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे ग्रो करेंगे इनके अंदर जो डेफिशिएंट कंपोनेंट हैं वो फिर से वापस से ग्रो कर जाते हैं और नए कंपोनेंट इसमें बन जाते हैं ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट बात थी एक्सेप्शनल बात थी पैरामीशियम के बारे में नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मल्टीपिजन का मतलब क्या है ठीक है तो क्या होता है मल्टीपल फिजन नाम से क्या पता लग रहा है मल्टीपल फिजन बाइनरी में टू पीसेस हो रहे हैं मल्टीपल मतलब मैनी पीसेस ठीक है तो बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होगा और हर एक पीस एक नया इंडिविजुअल बना सकता है तो दिस इज द मल्टीपल फेजल। तो ये अमीबा प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस ये तीन तरह के ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ये होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है कब होता है अनफेवरेबल कंडीशन में होता है न्यूक्लियस इसमें क्या है कि जैसे अगर ये एक सेल है और ये ऑरिजिनल न्यूक्लियस था तो ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाएगा तो इस सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए ठीक है ये न्यूक्लियस बहुत सारे आ गए इसके अंदर अब क्या होगा कि इसके सराउंडिंग में ये साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा ठीक है इनके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और फिर बाद में ये सेल जो ओरिजिनल थी वो ब्रेक हो जाएगी और ये सारे जो जो यहाँ पे नए सेल बने हैं वो बाहर आ जाएंगे ठीक है तो ये किसका केस है मल्टीपल फिजन का मल्टीपल फिजन का तो यहाँ पे ये जो इनके ऊपर कवरिंग बन जाती है इनको हम बोलते हैं इंसिस्टेशन, क्या बोलते हैं इंसिस्टेशन। और इस तरह से जो ये बनते हैं नए ऑफिस बनते हैं उनको हम बोलते हैं स्यूडो पोडियो स्पोर्स. क्या बोलते हैं स्यूडो पोडियो स्पोर्स. और आप ये अमीबा के अंदर देख सकते हो अमीबा के अंदर स्यूडो पोडियो स्पोर्स बनते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन क्या बोलते हैं स्पोरुलेशन ठीक है इंसिस्टमेंट का मतलब होता है कि बेसिकली uh, कवरिंग बनना जैसे ये न्यूक्लियस पहले से था और इसके अराउंड ये प्रोटोप्लाज्म uh, का कवर आ गया ठीक है और ये कवर आने के बाद इसके चारों तरफ एक टफ मेम्ब्रेन बन गई ठीक है तो उसको हम बोलेंगे सिस्ट और ये सिस्ट बनने के प्रोसेस को हम बोलेंगे इंसिस्टेशन क्या बोलेंगे इंसिस्टेशन ठीक है। इंसिस्टेशन का मतलब है कि सिस्ट का फॉर्मेशन होना और इस न्यूक्लियस को वो कवर कर लेगा चारों तरफ से और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे incistment. क्या बोले के? Clear है ये ठीक है अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं आपके NCRT से ये पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। तो इसमें क्या क्या है कि जू स्पोर जो होते हैं तो आपको इसको नाम से पहचानना है इसका नाम है जू और जू मतलब एनिमल और एनिमल का सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है कि एनिमल कैसे होते हैं मोटाइल तो इनका नाम जू स्पोर क्यों है क्योंकि ये मोटाइल होते हैं कैसे होते हैं ये मोटाइल होते हैं तो मोटाइल स्पोर को हम जू स्पोर बोलते हैं जू स्पोर फंजाई में बनते हैं एलगी में बनते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक होते हैं मतलब बहुत छोटे होते हैं इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा और ये मोटाइल होते हैं ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया तभी इनका नाम जू स्पोर है ठीक है तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जू स्पोर फंजाई और एलगी में बनते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और मोटाइल होते हैं मोटाइल होते हैं ये या आपको याद करने की जरूरत नहीं नहीं है इनका नाम जू स्पोर है और जू का मतलब मोटाइल होता है ठीक है इसके बाद जो कुडिया होते हैं क्वनीडिया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं पेनीसीलियम के अंदर ठीक है किसके अंदर बनते हैं पेनीसीलियम के अंदर क्वनीडिया बनते हैं जेम्यूल जेम्यूल को हम एंडोजिनस बर्डिंग बोलते हैं तो आपके एनसीआरटी में एक डायग्राम बना होगा जिसमें एक ऐसा पॉट है और उसके अंदर बहुत सारे इस तरह के बॉल्स भरे हुए हैं है ना तो ये इंटरनल बर्डिंग का एग्जाम्पल है इसको हम इंटरनल बर्डिंग भी बोलते हैं और जेम्यूल का जो फॉर्मेशन है वो स्पॉन्जेस के अंदर होता है ठीक है हम बात करें फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि जो बॉडी है वो ब्रेक हो जाएगी और वहां से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो आपने हाइड्रा में बडिंग भी पढ़ा है और हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन भी होता है ठीक है कि हाइड्रा ब्रेक हो जाएगा और उसके ब्रेक होने से नया हाइड्रा एराइज होगा वहां से ठीक है तो ये दोनों ही प्रोसेस हाइड्रा में होते हैं बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन दोनों ही तरह के प्रोसेस हाइड्रा में होते हैं ठीक है थीके? अब इसमें ये जो टर्म है ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव इनको कैसे यूज करते हैं तो एनिमल के अंदर और सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म यूज करते हैं बट सिमिलर प्रोसेस को अगर हम प्लांट में बात करें तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं ठीक है थीके? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म है वो एनिमल में यूज होता है और सिंपल ऑर्गेनिज्म में यूज होता है बट वेजिटेटिव टर्म स्पेसिफिकली किसमें यूज होता है प्लांट्स में यूज होता है किसमें यूज होता है प्लांट्स में ठीक है अब यहां पे एक और है, ये आपके ये टर्म है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एनसीईआरटी का टर्म है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ठीक है तो प्रोपेग्यूल्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इसका क्या मतलब होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ठीक है तो वेजिटेटिव प्रोपीक्यूल्स का मतलब है वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल राइजोम हम देखते हैं सकर ट्यूबर ऑपसेट और बल्ब अलग अलग तरह के प्लांट में हम अलग अलग चीजें यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए तो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल ओके तो हम कुछ एग्जाम्पल्स इन सबके देखेंगे uh, ये भी आपका एन का टॉपिक है और इसमें आप देख पा रहे हो वाटर हाइसेंथ आपने पढ़ा होगा बुक में अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो वाटर हाइसेंथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज करता है कि जो वाटर बॉडीज हैं उनको पॉल्यूट करता है क्या करता है पॉल्यूट करता है और इतना ही नहीं जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के अमाउंट को ये कम कर देता है ये ओवर ग्रोथ शो करता है और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो बहुत कम हो जाता है ठीक है तो जो वाटर हाइसेंट है ये वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टिव बीड है वीड uh, तो आप समझते हो ना इन्वेस्टिव का मतलब है कि अगर आपने इसको कहीं पे ग्रो कर दिया तो आसपास के जितने भी प्लांट हैं वो न्यूट्रिएंट के लिए और जगह के लिए स्ट्रगल करते रह जाएंगे और ये जो प्लांट है वो पूरे एरिया में कब्जा कर लेगा ठीक है तो ये मोस्ट इन्वेसिव बीड है इसको हटाना बहुत मुश्किल होता है ठीक है तो इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था तो आप देख पा रहे हो कि इसके बहुत सुंदर से फ्लावर्स होते हैं और इसके लीफ जो होते हैं वो भी काफी ब्यूटीफुल दिखते हैं तो इनके ब्यूटीफुल फ्लावर और लीफ की वजह से इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया था लेकिन बाद में पता चला कि ये बहुत ही इन्वेसिव है वाटर बॉडीज़ डिस्ट्रॉय कर देता है ठीक तो है, मतलब है तो किसी मतलब से से. मतलब, आप थोड़ी सी फ्रेंडशिप करता है फिर आपको यूज करना शुरू कर देता है देखा है क्या कोई ऐसा देखा है क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि यार पेन देना तो आपने पेन दे दिया अगले दिन उसने नोटबुक मांग ली ठीक है अगले दिन उसने आपका खाना मांग लिया टिफिन ठीक है जो भी है और उसके अगले दिन हो सकता है आपकी बाइक मांग ले, ठीक है तो ऐसे फ्रेंड्स आपने देखे है ना कि वो बढ़ते ही जाते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती है ठीक है उनकी डिमांड बढ़ती जाती है तो इनवेसिव का मतलब वही है इनवेसिव का मतलब क्या है कि जैसे कोई पौंड था और इस पौंड के अंदर आपने आ, इस वीड को इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे लोटस थे बहुत सारे वेराइटी के प्लांट्स थे और कुछ टाइम बाद आओगे तो पूरे पॉइंट में आपको वाटर वॉटर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा ठीक है बाकी सारे जो प्लांट हैं ये यह यहां से गायब हो जाएंगे इन सबको वो ओवर पावर कर लेगा ठीक है तो ये है इन्वेस्टिव का मतलब ठीक है अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमेशा स्टैंडिंग वाटर में रहता है कहाँ रहता है वाटर आइसन स्टैंडिंग वाटर में रुके हुए पानी में फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड में ये रिवर में नहीं होगा ठीक है रिवर क्योंकि जो वाटर है वो कैसा है फ्लो कर रहा है कंटिन्यूसली तो उसमें नहीं होगा ये स्टैंडिंग वाटर में रुके हुए पानी में होता है और ये ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ऑक्सीजन को कैसे कंज्यूम कर लेता है ये एक्वेटिक प्लांट है और आपको पता है कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन है लगभग थ्री परसेंट होती है जबकि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन है वो लगभग ट्वेंटी वन परसेंट है कितनी है ट्वेंटी वन परसेंट और अब क्या होता है कि अगर ये मान लो कि ये ये पॉन्ड की सरफेस है और ये आपका पौंड है और ये ऊपर एयर है तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो वाटर में डिफ्यूज होती रहती है और इसमें जो आपके ऑर्गेनिजम इक्वेटिका रह रहे हैं तो वो सीओ टू रिलीज करते हैं वो एटमोसफेयर में चले जाती है सीओ टू ठीक है तो सीओ टू और ओ टू का जो साइकिल है वाटर के वाटर के बीच में और एयर के बीच में ये मेंटेन रहता है ठीक है तो वाटर की सरफेस से सीओ टू डिफ्यूज आउट होता रहता है और ऑक्सीजन डिफ्यूज इन होता रहता है लेकिन जब इस पूरे सरफेस को वाटर हाइसें कवर कर लेगा तो ये वाला जो साइकिल है आपका वो ब्रेक हो जाएगा ठीक है तो जितनी भी ऑक्सीजन इस पानी के अंदर रहेगी वो ऑक्सीजन कहां से आएगी जो इक्वेटिक प्लांट इसके अंदर ट्रैप है ठीक है तो लेकिन वाटर बॉडी के अंदर जो जो अदर एनिमल्स हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए तो धीरे धीरे क्या होगा कि इस पॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी और अल्टीमेटली जो जो ये लेक है ये चोक हो जाएगी मतलब इसके अंदर जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाएगी और ये जो लेक है वो खराब हो जाएगी खत्म हो जाएगी ठीक है ठीक है तो वाटर हाइसेंथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं ठीक है क्योंकि ये वाटर बॉडी को खराब कर देता है इसकरेज बोलते हैं कर देता है वाटर बॉडी का और ये मोस्ट इन्वेसिव वीड है ठीक है इसको हटाना बहुत मुश्किल है स्टैंडिंग वाटर में होता है ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है और इंडिया में इसको ब्यूटीफुल फ्लावर और लीफ के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था बट बाद में पता चला कि ये मोस्ट इन्वेसिव वीड है ठीक है समझ आया Uh, आपकी क्लास सेवन टेन तक सेवन uh, ट्वेंटी तक होगी ठीक है सेवन ट्वेंटी तक ओके okay. तो ये हो गया आपका वाटर हाइस अब ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी देखी होंगी सुगर केन को कैसे लगाते हैं सुगर केन को ग्रो करने का क्या तरीका होता है कि सुगर केन का जो स्टेम uh, होता है उस uh, स्टेम के अंदर नोड होते हैं क्या होते हैं नोड तो ये वाले पार्ट हैं ये नोड कहलाते हैं बाद यहाँ पे भी बना हुआ है ये जो आप देख रहे हो ना ये नोड है ये भी नोड है और इनके बीच का जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं हम इसको इंटरनोड बोलते हैं क्या बोलते हैं इंटरनोड तो जब आप सुगर केन को प्लांट करते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि उसके पास एटलीस्ट एक नोड हो ठीक है तो आप इतने पार्ट को अगर मिट्टी में दबा के रख दोगे तो इससे नया सुगर केन का प्लांट निकल जाएगा ठीक है ठीक है डन इसके बाद अगर हम बात करें पोटैटो तो पोटैटो के अंदर आ, आप आप देखते हो घर में कि अगर बहुत टाइम से अगर पोटैटो घर में पड़े हुए हैं तो उनमें इस तरह की बर्ड निकल आते हैं और इन बर्ड्स को हम बोलते हैं आईज ऑफ द पोटैटो इन बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं आईज ऑफ द पोटैटो ठीक है तो इस पोटैटो को अगर मैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर दूं तो हर एक पीस से पोटैटो का एक नया प्लांट निकल आएगा ठीक है तो पोटैटो को प्रोपेगेट करने के लिए हम बर्ड्स यूज करते हैं और आई ऑफ द पोटैटो से नया प्लांट निकलता है जिंजर में हम राइजोम यूज करते हैं इसको हम जिंजर का राइजोम बोलते हैं अदरक है ना तो ये अदरक है आपका तो इसमें अगर अदरक भी लंबे टाइम तक अगर आपके किचन में पड़ा रहता है तो आप देखते हो कि उसमें से लीफ ऐसे स्प्राउट निकलने लग जाते हैं ठीक है तो जिंजर को ग्रो करने का तरीका क्या है इसका राइजोम ठीक है तो क्विकली एक बार याद रख लो पोटैटो में ट्यूबर जिंजर का राइजोम सुगर केन का नोड है ना तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं इनको प्रोपिगेट करने के लिए ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है संचित कि इनको घर पे न्यूट्रिशन कहाँ से मिल जाता है जो ये ग्रो कर जाते हैं हम इनको खाते क्यों है ये बताओ पहले जैसे हम पोटैटो को खा रहे हैं तो पोटैटो के अंदर क्या है स्टार्च पोटैटो के अंदर का क्या है स्टार्च ठीक है तो जो पोटैटो के अंदर जो फूड कंटेन है उसी को यूज करके इसमें स्प्राउट निकल जाते हैं तो जब तक ये फूड सफिशियंट रहेगा सपोज इसमें ऐसे पांच दस पत्ते निकल गए और फिर ये पोटैटो कंज्यूम हो जाएगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा पूरा ठीक है तो अगर उतने टाइम से पहले अगर आपने इसको मिट्टी में लगा दिया तब तो ये ग्रो कर जाएगा वो नहीं करा तो नहीं करेगा ग्रो ठीक है तो इसको जो न्यूट्रिएंट है वो इसी में कंटेन्ड रहते हैं जैसे इस सुगर केन में भी है ना जितना न्यूट्रिएंट इसके अंदर स्टोरेज में है वो यूज हो जाएगा उसके बाद उसे स्वाइल से, से न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे ठीक है तो फिर आपको इसको शिफ्ट करना पड़ेगा गमले में या मिट्टी में ठीक है ठीक है अब हम बात करते हैं बनाना तो बनाना के राइजोम आपने देखे होंगे अगर बनाना जो होता है ना तो इसमें नीचे ऐसे बल्ब होते हैं और इन बल्ब से फिर क्या होता है नए प्लांट निकलते हैं तो ये बनाना के बहुत सारे बल्ब हैं ठीक है तो बनाना का भी वेजिटेटिव प्रोपेशन होता है तो इन बल्ब को हम यूज करके नए बनाना ग्रो कर सकते हैं ठीक है डहलिया जो होता है इसकी ब्रांच को हम कट करके लगाते हैं इसकी ब्रांच को कट करके हम मिट्टी में लगा देते हैं उससे नया प्लांट निकल आता है ब्रायोफाइलम ब्रायोफाइलम में एडवेंटीसियस बर्डिंग होती है और ये जो बर्ड है इसके लीफ से आते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है कि ये लीफ है ब्रायोफाइलम की और इसके यहाँ से बर्ड्स निकल रहे हैं ठीक है तो ब्रायोफाइलम कैसे ग्रो करता है लीफ से ग्रो करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है ठीक है ये तो बहुत कॉमन सी बात है जो आप जानते भी होंगे ये स्पेशल है इसलिए इंपॉर्टेंट है ठीक है क्लियर है इतनी बात ना इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं कि जो आ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉमन किसमें होता है किसमें होता है कॉमनली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली किसमें होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ठीक है ठीक है प्लांट एंड एनिमल विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रोटेस्ट एंड मोनेरन ठीक है प्रोटेस्ट एंड मोनेरन के अंदर जो सेल डिवीजन है और रिप्रोडक्शन है दोनों सेम चीज है चाहे आप इसको सेल डिवीजन बोल दो या फिर आप इसको रिप्रोडक्शन बोल दो, दोनों सेम चीजें हैं ठीक है बाइनरी फिजन की हम बात करें तो अमीबा में और पैरामीशियम में इन दोनों में बाइनरी फिजन होता है और हमने डिफरेंस भी देख लिया कि किस तरह का होता है बडिंग बडिंग ईस्ट और हाइड्रा के अंदर होती है बडिंग किस में होती है ईस्ट एंड हाइड्रा के अंदर इंसिस्टेशन की जो प्रोसेस है वो अमीबा में होती है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये अनफेवरेबल कंडीशन में होती है जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ठीक है और स्पोरुलेशन की प्रोसेस भी किसमें होती है अमीबा में तो जो भी हमने पीछे स्लाइड कवर करी है ये उनका समरी है जो आपको यहाँ से याद रख लेना है ठीक है यहाँ तक कोई डाउट है संचित कह रहे हैं सुगर केन घर में पड़े पड़े नहीं निकलते हैं तो सुगर केन को चाहिए क्या है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए उसे मॉइस्चर चाहिए और न्यूट्रिय चाहिए ठीक है तो वो ये पूछेगा नहीं कि घर है आपका या या ये फील्ड है कोई खेत है है ना तो उग सकते हैं कहीं पे भी अगर उसको सफिशियंट सुबल कंडीशन मिल जाए ठीक है ये तो आप मानते हो लैब में भी प्लांट को ग्रो करा लेते हैं कैसे ग्रो करा लेते हैं है ना जो उनको कंडीशन ठीक है तो एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का जिन ऑर्गेनिज्म में सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये बात पता है आपको लेकिन इसमें मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट तो बात है ठीक है ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है देखो ये इस तरह का हो गया कि जैसे बारिश आने वाली है ना तो आप छाता लेके निकले हो बादल देख लिया आपने कि बारिश आने वाली है अब बाहर जा रहे हो तो आप अम्ब्रेला लेके निकले हो ठीक है तो सेम तरह की प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स uh, के अंदर होती है जैसे ही उन्हें ये रियलाइज होता है कि अब अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली है तो वो क्या कर लेते हैं वो स्पोर बना लेते हैं ठीक है तो स्पोर में क्या होता है कि ये अगर आपका कोई स्पोर है और इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग बनी हुई है ठीक है तो ये हार्ड कवरिंग इस स्पोर को डेसिकेशन और डैमेज से बचा लेगी ठीक है तो अगर ये अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई फिर ये प्रोसेस शुरू होगी तो ये तो बन ही नहीं पाएंगे है ना तो अनफेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन के आने से पहले ये इनमें क्या हो जाता है इंसिस्टमेंट हो जाता है और ये स्पोर बन जाते हैं और ये स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये स्पोर जर्मिनेट करके नया ऑर्गेनिज्म या प्लांट जो भी है ये बनाएगा ठीक है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है ठीक है ठीक है तो अगला टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसके पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को पढ़े हैं, हम आ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं ठीक है जो अभी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड सबको आंसर देना है ठीक है आ, पहला क्वेश्चन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में होता है पहला क्वेश्चन है ट्रांसफर्स है गुड 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 इंसिस्टमेंट किसमें होता है इंसिस्टमेंट yes. की प्रोसेस कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है यस इंसिस्टमेंट अमीबा के अंदर होता है अमीबा के अंदर होता है गुड गुड Uh, ये जो इंसिस्टमेंट है ये किस कंडीशन में होता है फेवरेबल कंडीशन में होता है या अनफेवरेबल कंडीशन में यस अनफेवरेबल कंडीशन में होता है ठीक है गुड अच्छा अनफेवरेबल कंडीशन में जो ये इंसिस्टमेंट हो रहा है इसका क्या फायदा है क्या फायदा है इंसिस्टमेंट का वट इज द बेनिफिट प्रोटेक्शन यस इसका फायदा है प्रोटेक्शन की जो अनफेवरेबल कंडीशन आ रही है इस कंडीशन में ये सरवाइव कर पाए है ना इसीलिए ये कैसा होता है फास्ट होता है ठीक है फास्ट होता है प्रिवेंशन फ्रॉम हार्स कंडीशन यस टॉलरेट कर पाते हैं वो हार्स कंडीशन को गुड गुड अच्छा पोटैटो प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं पोटैटो प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं यस आईज आईज ऑफ द पोटैटो और ट्यूबर्स यस पोटैटो ट्यूबर्स भी बोल सकते हो आईज ऑफ द पोटैटो भी बोल सकते हो ठीक है गुड गुड जिंजर में क्या होता है जिंजर में जिंजर में क्या होता है राइजोम यस जिंजर में राइजोम होता है गुड 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 इंटरनल बर्डिंग किसमें होती है इंटरनल बर्डिंग इंटरनल बर्डिंग किसमें होती है यस yes, स्पॉन्जेस में होती है और जो स्ट्रक्चर जो बनते हैं इंटरनल बर्डिंग में उनको बोलते हैं जेम्यूल क्या बोलते हैं उनको जेम्यूल गुड गुड ठीक है अच्छा बर्डिंग किसमें होती है बर्डिंग बडिंग हाइड्रा में होती है यस बर्डिंग किसमें होती है yes. हाइड्रा में हाइड्रा के अलावा और किसमें होती है ईस्ट में भी होती है गुड गुड ईस्ट और हाइड्रा दोनों में क्या होता है बर्डिंग होती है गुड ठीक है तो आपने ठीक से पढ़ा है ध्यान से पढ़ा है गुड चलो अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं ठीक है तो ये तो आप जानते ही होंगे कि स्पर्म आता है यहाँ पे एग है ना एक की मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करेगा और इसका के अंदर एंजाइम होता है जो एक की को करेगा और इसके बाद जो न्यूक्लियस है वो एंटर कर जाएगा किसके अंदर एक के के न्यूक्लियस अंदर मनी क्लास का टाइम फिक्स नहीं हुआ है आपको शेड्यूल मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट वीक का टाइम फिक्स हो जाएगा ठीक है तो। ये कौन चिल्ला रहे है? ठीक है तो अब हम बात करने जा वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है जैसे हमने ए सेक्सुअल में बोला था कि इसमें गेमीट नहीं बनते हैं तो उसके ऑपोजिट है ये मतलब इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होने वाला है और गैमिट के फ्यूजन से जायगॉट बनेगा और का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा और उससे एम्ब्रियो बनेगा फिर यंग बन बनेगा तो ये पूरी प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है ठीक है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है फॉर्मेशन ऑफ गैमिट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट गॉइड हो सकते हैं गैमिट कैसे हो सकते हैं हेप्लॉयड हो सकते हैं और ये टू जनरेशन के बीच में लिंक का, का काम करते हैं ठीक है गैमेट दो जनरेशन के बीच में लिंक का काम करते हैं कैसे करते हैं फॉर अगर, एग्जाम्पल अगर बात करूं कि फॉर uh, एग्जाम्पल मैं हूं ठीक है तो मैं जिस जायॉड से बना हूं तो उसमें uh, मतलब मेरे पेरेंट्स के uh, गैमेट्स हैं उसमें एग और रिस्क में ठीक है तो वो मेरे से एक जनरेशन ऊपर के हैं और मैं नेक्स्ट जनरेशन हूं ठीक है तो मेरे में और मेरे पेरेंट में क्या सिमिलरिटी है या आप में या आपके पेरेंट में क्या सिमिलरिटी है वो है आपका <coughs> गैमेट है ना तो गैमेट ट्रांसफर होके और वो गैमेट नय, नया जनरेशन बनाते हैं तो इसलिए जो गैमेट है वो दो जनरेशन के बीच में लिंक है और सेम क्वेश्चन जायगॉट के लिए भी आता है एग्जाम में कि जायगॉट क्या है तो की को भी हम बोलते हैं कि जायगॉट दो जनरेशन के बीच में लिंक है ठीक है तो जायगॉट ऑल्सो जायॉट इज ऑल्सो लिंक बिटवीन टू जेनरेशन ठीक है तो बहुत वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं ठीक है आपने पढ़ा होगा 1.7 से 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड की ठीक है तो 1.7 से 1.8 मिलियन टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल है अब लेकिन अच्छा स्लाइड चेंज नहीं हुआ एक सेकंड रुक जाओ हम्म अब आप देख पा रहे हो क्या मैं ये फिर से रिपीट कर देता हूं ठीक है तो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है इसमें फॉर्मेशन ऑफ एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट है अब ये जो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट है ये सेम इंडिविजुअल से भी हो सकता है और डिफरेंट इंडिविजुअल से भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट एक सिंगल इंडिविजुअल में बनेंगे और जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ठीक है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बनेंगे ठीक है तो ये एक डिफरेंस है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में दोनों में सिमिलरिटी क्या है दोनों में गैमेट बनेंगे और गैमेट के फ्यूजन से जायॉट बनेगा जाइगॉट का डेवलपमेंट होगा और नया ऑर्गेनिज्म बनेगा ठीक है

वाइड ऑफ ऑर्गेनिज्म की हम बात कर चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो उन सब में ये सिमिलरिटी रहती है कि मेल गैमिट और फीमेल प्रोड्यूस होते हैं हैं और ये gamit, बनाते हैं। मतलब इसमें जो रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न है उसमें सिमिलरिटी होती है सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनमें एक बेसिक सिमिलरिटी होती है ठीक है तो

कुछ ने पूछा है कि monoecious और dioecious क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ठीक है monoecious और dioecious का uni-cellular multi से कोई लेना देना नहीं है दोनों अलग-अलग टर्म -अलग है ठीक है तो monoecious का मतलब होता है bisexual ठीक है monoecious का मतलब क्या होता है bisexual ठीक है और कई बार ये कंफ्यूजिंग लगता है जब हम डायोइसियस -e बोलते हैं फिर उसमें डाई लिखा है फिर उसको यूनिसेक्सुअल बोल रहे हैं तो ये कंफ्यूजिंग होता है तो इसको याद करने का तरीका आपको ऐसे याद रखना है कि मोनो मैं दोनों ठीक है तो इसका ऑपोजिट क्या है डायोइसियस डायोइसियस -e -e क्या हो गया यूनिसेक्सुअल ठीक है कुछ समझ में आ गया तो मोनोइसियस -e का मतलब क्या है बाईसेक्सुअल और डायोइ का मतलब है यूनिसेक्सुअल ठीक है इसका यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर से लेना देना नहीं है ठीक है अच्छा जो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको डे लेंथ भी कंट्रोल करता है हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं और नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करता है तो तीन तरह के कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है डे लेंथ डे लेंथ से मतलब टेम्परेचर से है और टेम्परेचर से मतलब हार्मोन से है ठीक है और फिर अगेन फिर से लिखा है हार्मोन ठीक है फिर है नर्वस सिस्टम तो ये तीन चीजें हैं जो रिप्रोडक्ट रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं ठीक है तो यहां तक क्लियर है सबको यहां तक कोई डाउट है यहां तक कोई डाउट है येस yes नो no? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम दो तरह के टर्म और पढ़ते हैं एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसा कि फीमेल्स में होता है ह्यूमन फीमेल्स में तो जो ये साइकिल है ये वन मंथ बेसिकली ट्वेंटी एट डेज का रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ठीक है और इसके जो भी इवेंट्स हैं ये हम आपको अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसके ही जैसा एक साइकिल है जो सीजनल ब्रीडर्स में होता है और ये थ्रू आउट द ईयर नहीं होता ये केवल और केवल ब्रीडिंग सीजन में होता है इसमें होता है ब्रीडिंग सीजन में ठीक है और इसको हम बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल और इसका एक और नाम है इसको हम पीरियड ऑफ हीट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं पीरियड ऑफ हीट और हीट पीरियड ठीक है ठीक है तो जो या जो बफेलो वगैरह में होता है काउ बफेलो में होता है डॉग में होता है तो इन सब में ओस्ट्रेस साइकिल होता है और ह्यूमन्स में क्या होता है जो प्राइमेट्स हैं है ना प्राइमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं नॉन प्राइमेट मेम्बर्स में हम इसको ओस्ट्रेस साइकिल बोलते हैं तो ये डिफरेंस है ठीक है नॉन प्राइमेट में होता है। ये बातें क्लियर है हाँ पीपीटी भेज देंगे आपको डोंट वेरी पीपीटी का हम पीडीएफ भेज देंगे ठीक है तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी ठीक है तो जो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट तीन तरह के ये टोटल इवेंट है ठीक है तो प्री फर्टिलाइजेशन में आता है आपका गैमिटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमिट गैमिट ट्रांसफर तो गैमिट ट्रांसफर क्यों होना है क्योंकि अल्टीमेटली क्या बनना है जाइगॉट जाइगोट के लिए क्या होना पड़ेगा मेल और फीमेल गैमेट का क्या होना पड़ेगा फ्यूजन मेल और फीमेल गैमिट का होगा फ्यूजन ठीक है और फ्यूजन करने के लिए हमें मेल और फीमेल गैमिट को पास पास लाना पड़ेगा है ना मेल और फीमेल गैमिट को पास पास लाना पड़ेगा फ्यूजन के लिए ठीक है सॉरी ये चला गया था मैं फिर से बना देता हूँ मेरी आवाज नहीं आ रही है मेरी आवाज नहीं आ रही है आवाज आ रही है सबको सर yes, ये कौन लिख रहा है आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छा ठीक है चलो हम कंटिन्यू करते हैं तो मैं आपको बता रहा था कि मेल और फीमेल गैमिट का यहाँ पे होना है फ्यूजन और फ्यूजन के लिए इन दोनों को पास पास लाना पड़ेगा तो पास पास लाने के लिए जो मेल गैमेट है उनका ट्रांसफर होना पड़ेगा ताकि मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच जाए और उनके फ्यूजन से फिर बनेगा क्या जयगॉट और जाइगॉट से यंग बन बनेगा ठीक है तो फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे सिनगेमी सिनगेमी इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट तो इट इज सिनगेमी ठीक है फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट दैट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस ठीक है तो इसमें हम एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे तो ये तीन इवेंट uh, हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं आप क्विकली मेरे चार पांच क्वेश्चन का आंसर दे दो फिर मैं आपकी क्लास छोड़ दूंगा ठीक है तो ठीक है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मेन डिफरेंस है वट आर वट आर द डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यस इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ठीक है तीसरा डिफरेंस तीसरा डिफरेंस ये भी बोल सकते हो कि इसमें मेसिस होती है ठीक है इसमें होती है और ये भी एक बात है कि जिनमें जो ऑर्गेनिज्म है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके अंदर माइटोसिस से गैमेट बनते हैं तो ये अलग बात है अदरवाइज इसमें क्या होता है मियोसिस की प्रोसेस होती है हाँ अगली इंपॉर्टेंट बात है कि स्लो प्रोसेस है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट प्रोसेस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस है तो ये डिफरेंस है आपके ए सेक्स है प्लीज माइक ऑफ कर लें। ठीक है तो ठीक है फिर हम यहीं से शुरू करने वाले हैं अगली क्लास में ठीक है थैंक यू एंड गुड नाइट